बोल हमारी वीडियो पाकिस्तान तक पहुंच गई। ऐसा नहीं हुआ, भगवान करे ऐसा ना हो। कर जीएफ है कि सिंगल बुरी, सब होल लाइफ चेंज हो गई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफी टाइम से हमने कोई लॉन्ग वीडियो पोस्ट नहीं करी है। वैसे मैंने राजस्थान सीरीज पूरी रिकॉर्ड की थी, बट ऑडियो की कुछ दिक्कत की वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाया। ओके, जो हुआ सो हुआ। अब हम एक Q&A वीडियो बनाने वाले हैं। 4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे, सो वहाँ आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आया, और इंस्टा पे भी डाली थी, तो अराउंड टोटल मुझे 2000 क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं सबके तो रिप्लाई नहीं कर सकता, बट जितने हो सके उतने मैं करूँगा। सो वही स्टार्ट करने वाले, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया रॉयल NK गेमिंग ऑफिशियल से। हाउ आर यू सो काइंड हार्टेड, यू अर्न लेस मनी बट यू गिव माजा डेरिमल टू एवरी पुअर एंड वर्किंग पीपल। इतने पैसे कमाते हो, उड़ाते तो लोगों की खुशी के लिए उड़ाते हो, आपको क्या फ़ायदा है उससे? तो देखो, फ़ायदा तो कुछ नहीं है। जब मैंने पहले स्टार्ट किया था, मतलब जब मैंने ऐसी चॉकलेट वाली रील स्टार्ट की थी, तब मैं लाइक्स के लिए करता था। हाँ, तब मैं पुअर लाइक किसी ज़रूरतमंद को नहीं देता था, ऐसे ही नॉर्मल किसी भी रैंडम पब्लिक को देता, तब मैं लाइक्स वगैरह के लिए करता था। जब धीरे धीरे बनाते गया तो मुझे समझ आया कि जिनको ज़रूरत है उनको एटलीस्ट दे। ये बस यही एक मेन रीज़न है कि मैं उनको देता हूँ, और बाकी कुछ फ़ायदा नहीं है। एक जस्ट फॉर एक लिटिल हैप्पीनेस। पूरे दिन में बहुत सारी दिक्कत टेंशन वगैरह होती है, एक छोटी सी स्माइल आ जाए उनके फेस पे तो बहुत है मेरी वजह से। सो यही था इसका आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अनिकेत सिंह की ओर से। पुलिस वालों को जूस कैसे देते हो और वीडियो भी बना लेते हो, कैसे? थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता कुछ देते हुए वीडियो में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बिल्कुल नहीं लगता। पहले हम बनाते थे तो लगता था, पर धीरे धीरे ऐसा वो चीज़ें नहीं होने लगती, बट नॉर्मल हो जाता है। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स एंड हेलमेट्स एवरीथिंग है तो कोई दिक्कत भी नहीं होती, पुलिस वाले ले लेते। काफ़ी लोगों का ऐसा मांगना है कि लाइक ऐसा मानना है कि चालान से बचने के लिए कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एज आई सेड, वो भी लाइक उनको भी स्माइल करने का हक है, उनके भी पूरे दिन में बहुत सारी दिक्कतें वगैरह होती है, तो दे देते हैं। ऐसा क्या हो गया, पुलिस वाले तो क्या हो गया, डरना थोड़ी है, खा थोड़ी रहे हमें। यही था इसका आंसर। जैसे मैंने पहले ही बता रखा है आपको, मुझे लॉन्ग वीडियोस में इतना लाइक नहीं होता, तो अगर कुछ गलती हो तो आप देख लेना। अनदर क्वेश्चन आया है जयदीप गेमिंग जय उनकी ओर से। आपका रियल नेम एंड आपके चैनल का नेम लक्की राइडर कैसे? मेरा रियल नेम लक्ष्मण भारती गोस्वामी है मेरा फुल नेम, एंड लक्की राइडर मेरा एक फ्रेंड था यूरोप से। उसको लाइक लक्ष्मण प्रोनाउंस करना नहीं होता, वो मेरा इंस्टा पे फ्रेंड बना था, तो लक्ष्मण वो प्रोनाउन नहीं कर सकता था, तो वो लक्की बुलाता था मुझे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो नाम, तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम लक्की रख दिया। दैट्स इट, यही था इसका आंसर। एंड अनदर क्वेश्चन आया नीरज पांडे की ओर से। आप अपने फर्स्ट यूट्यूब स्टार्ट किया, आपकी फैमिली ने क्या कहा, क्या रिएक्शन क्या था? रिएक्शन मीन्स उनका इतना कुछ नहीं कि हाँ कुछ कर रहा है। और हमारे लाइक टू बी ऑनेस्ट, हमारे मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है कि जब तुम कुछ करके दिखाया जा रहा है तभी मानेंगे हम, तो चाहे तुम कितना भी कर लो, यही होता है। सो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था कि हाँ कुछ कर रहा है, ओके फाइन, वही था और कुछ नहीं, यही था इसका आंसर। एंड अनदर क्वेश्चन आया पल्लव वेटल 2007, आई एम सॉरी अगर मैं नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो। लक्की भाई, आप अभी न्यू बाइक कब लोगे और नेक्स्ट ट्रिप, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। न्यू बाइक अभी लेने का कोई प्लान नहीं है, यही है जो भी है सब कुछ, यही ड्रीम बाइक थी, तो ये आ गया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्टिल आगे प्लान है कुछ लेने का, तो देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिप मेरी अगले महीने में होने वाली है केदारनाथ की। मैंने सोच रखा है, प्लान अभी तक किया, बट फुली श्योर नहीं हूँ मैं, और अगर होगी तो नेक्स्ट मंथ होने वाली है केदारनाथ की, उत्तराखंड की। अनदर क्वेश्चन आया स्मिथ _08_, आप आउट ऑफ कंट्री राइड करते हो? अरे नहीं भाई, अभी तक मैंने अब इंडिया भी नहीं देखा, तो आउट ऑफ कंट्री क्या करूँगा। हाँ, बट मेरा है प्लान कुछ आउट ऑफ कंट्रीज के, लाइक लास्ट ईयर भी था, बट काफ़ी लोगों को अगर पता हो तो मैं जा रहा था, बट मैं नहीं गया, नहीं जाने दिया मुझे कोविड की वजह से। बट हाँ, आगे अगर हम जाएंगे तो वो भी ब्लॉग्स आएंगे आउट ऑफ कंट्री के राइड करने में। ओके, अनदर क्वेश्चन आया शवान सधम की ओर से। एट विच एज डिड यू स्टार्ट मोटो ब्लॉगिंग? डा अभी मेरी एज 20 है, और 20 में मैंने स्टार्ट किया था। नवंबर को मैंने बाइक ली थी, दिसंबर में आई थिंक मैंने चैनल क्रिएट किया था। दैट्स इट, यही है। अनदर क्वेश्चन आया विवेक ठाकुर ब्लॉग की ओर से। सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो इसी को जाता है, क्योंकि इसके आने के बाद ही मेरी टोटल होल लाइफ चेंज हो गई।
पहले काफ़ी डिफरेंस थी लाइफ, बट इसके आने के बाद टोटल हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं इसको और मॉम डैड को देना चाहूँगा। अनदर क्वेश्चन आया द स्ट्रीट डेविल की ओर से, नेक्स्ट बाइक। ब्रो नेक्स्ट बाइक Z900 लेने का प्लान है, बट अभी नहीं है, बहुत दूर है वो चीज़, तो देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। इट्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन। तबीश AMG भाई, आपकी यूट्यूब से फर्स्ट इनकम क्या आया था और आपका क्या रिएक्शन था? प्लीज क्लिक माई क्वेश्चन। ये फंस गया सी एम पिक। ओ सॉरी पिक। तो यूट्यूब से अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया मेरे भाई, यही है इसका सीधा साधा आंसर। तो कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं, सीधी सी बात है। RTR UMAR नेटिव प्लेस। ब्रो नेटिव प्लेस राजस्थान है, वैसे मैं राजस्थान से हूँ प्रॉपर, एंड मेरा बर्थ हुआ तमिलनाडु में और मैं बड़ा भी वहीं पे हुआ, स्कूलिंग वगैरह मेरी तमिलनाडु में ही, और करेंटली अब हम आके सेटल हुए बैंगलोर में फ्रॉम लास्ट लाइक एक साल से हम यहीं पे बैंगलोर में। इससे पहले तमिलनाडु में थे, राजस्थान में मैं कभी नहीं रहा, बहुत कम रहा हूँ, साल में बस एक बार जाते। इट्स डॉट अंडरस्कोर मनीष, भाई जालोर कब आया और अब कब आएगा? भाई जालोर में पिछले महीने आया था, काफ़ी सारे लोगों को मिलना था बट नहीं मिल पाया, पिछले महीने आया था। एक महीना मैं राजस्थान में ही रहा था, जालोर वगैरह बहुत सारी जगह गया, और नेक्स्ट अभी तो कोई प्लान नहीं है, ऑलमोस्ट हम 6-7 months के बाद अगर कुछ ट्रिप हो सकता है तो हो सकता है, मैं पहले से अपडेट कर दूंगा। अंडरस्कोर इट्स श्रवित, आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ब्रो आप सबको डेयरी मिल्क क्यों देते? लव फ्रॉम झारखंड। तो श्रवित भाई बस जस्ट फॉर स्माइल, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल रखा, और कुछ नहीं। पूरे दिन में यार बहुत सारी दिक्कतें होती है सिर पे, पेट्रोल पंप्स वगैरह में देता हूँ कभी तो लाइक दिखता है यार, पूरे दिन में टेंशन ही टेंशन। आप ही बोलो, अगर आप कोई आप पेट्रोल पंप जाते हो और पेट्रोल के रेट्स तो बहुत हाई हो रखे, तो पेट्रोल के रेट देखते ही ना रिएक्शन लाइक, गलती उनकी नहीं है, जो भरता है उनकी नहीं है, किसी और के, उनकी वजह से आप उनके ऊपर गुस्सा रहते हो, मतलब पूरा दिन दिक्कतें रहती ही है। तो एटलीस्ट एक छोटी सी स्माइल आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, यही था इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है Darshan.wag03, तुम दिन में कितने चॉकलेट लेते हो? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट एटलीस्ट हम 4-5 या कभी कभी 10-15 भी हो जाती है, डिपेंड करता है, बट हाँ नॉर्मली मैं 3-4 तो रखता ही हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कॉन्सर्वाइटी, ओनली वन क्वेश्चन, व्हाई डू यू बाइक ड्यूक? ब्रो द मेन रीज़न द पावर, सबसे पहली बात पावर, एंड ड्रीम बाइक, एंड सब कुछ यार, कितना बोलूँ मैं, जितना बोलूँ इतना कम है। ड्यूक तो ड्यूक ही है, RC वगैरह होती है, बट RC में वही होता है कि आप लॉन्ग ड्राइव में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और हमारे इंडिया में ऑलरेडी वो छपरी घोषित हो चुकी है, तो इसलिए RC लेने का कोई सीन नहीं बनता, इसलिए ड्यूक। और इसका मेन रीज़न लेने का मेरा था इसका जो डिस्प्ले, आगे जो डिस्प्ले है वो बहुत तगड़ा है। ओके तो यही था इसका आंसर। एंड अनदर क्वेश्चन आया सॉन्ग लवर की ओर से, डिड यू एवर फेस्ड ए बिग एक्सीडेंट? नो ब्रो, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम प्रॉपर रूल एंड सब कुछ देख के ही चलते हैं। हाँ हो सकता है, बट अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, और भगवान करे ऐसा ना हो कभी। दैट्स यही था क्वेश्चन, कभी मैंने फेस नहीं किया कोई भी लॉन्ग बड़ा एक्सीडेंट वगैरह। AN UV IND ब्रो कम टू केरला एंड गिव डायरी मिल टू पुलिस। अरे यार जहाँ तक मैंने सुना है ना, केरला पुलिस ना बहुत पता नहीं, बट लोगों ने बोला, मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली तो कभी गया नहीं केरला, तो मुझे वो चीज़ नहीं पता, तो वो चीज़ मुझे नहीं पता, बट केरला पुलिस बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये सुना है मैंने, तो देखते हैं वो भी करेंगे धीरे धीरे। ब्रो मैं अगर आया केरला तो बिल्कुल करूँगा, यही था इसका आंसर। अनदर क्वेश्चन आया देवंदा, सॉरी ब्रो ना லைக் கரெக்டாக பண்ணணும் பண்ணலன்னா, உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா? கண்டிப்பாக தெரியும், நான் பிறந்த வளர்ந்த ஊர், படித்தது அங்கே தான், ஸோ தமிழ் நல்லாவே தெரியும், ரொம்ப நல்லா தெரியும், அதான் இதுக்கு ஆன்சர், அவ்வளோதான். அனதர் க்வெஸ்டின் ஆயா இர்ஃபான் கிங் கி ஓர்ஸே, யுவர் நிக் நேம்? மேரா நிக் நேம் ஹே அச்சு, அச்சு உலாத்தே மேரி தீதி உலாத்தே உஸ்னு கதை நாம், ஸோ யெய்யா. அனதர் க்வெஸ்டின் ஆயா மிஸ்டர் அண்டர்ஸ்கோர் பிரதான் அண்டர்ஸ்கோர் 12 அண்டர்ஸ்கோர் கி ஓர்ஸே, பாய் தும் இத்தனை பேசே லாத்தே கஹா சே ஹோ அண்ட் லவ் யூ ஃப்ரம் ஒடிசா? इतने पैसे नहीं है भाई, अगर हम कैलकुलेट भी करें तो दिन का मुश्किल से 50 या 60 10 100 हो जाता है, इससे ज़्यादा क्या हो गया, और इतना तो आप बचा ही सकते हो यार एक दिन में, भले ही आपकी इनकम 10 या 15 ही क्यों ना हो, 50 या 100 तक तो कोई भी बचा सकता है, अगर वो चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, और पैसे मायने नहीं रखते, एक छोटी सी स्माइली मायने रखती है, तो वही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे भाई।
लव यू टू ब्रो। 777_KD बन्ना ने क्वेश्चन पूछा है, अगर कभी मैं आपसे मिलूं तो आप मुझसे बात करोगे? हाँ यार, क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। वैसे कल भी मुझे यहाँ बैंगलोर में मिले तो वो दूर से देख देख के ना डर रहते हैं आने में, तो ऐसे डरा वरा मत करो यार, उल्टा मुझे तो खुशी होगी कि हाँ मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, यार बहुत बड़ी बात है वो मेरे लिए। तो कभी ऐसे देखा करो तो आओ और अच्छे से मिल लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन किम की ओर से आया, हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स टू बाई अ KTM एंड हाउ ओल्ड आर यू एंड बी सेफ? कन्वेंस मैंने पहले पापा को दिखाई थी बाइक, और मेन रीज़न था इसका कलर, पापा को ऑरेंज कलर देखते ही पसंद आ गई थी तो उन्होंने वो मान लिए। हाँ बट थोड़ा बहुत मुश्किल तो होता ही है बट फिर भी मैंने जैसे तैसे मना लिया। अनदर क्वेश्चन आया, इट्स सोनू ऑफिशियल से, GF है कि सिंगल पूरी से हो? साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे मेरे भाई सिंगलपुर से हम। और अनदर मेन क्वेश्चन कि अर्निंग, यूट्यूब की इनकम यही पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको उससे रिलेटेड बता दूं कि मैंने अभी तक यूट्यूब से नॉट इवन अ सिंगल रुपी, आज मेरे करंट सब्सक्राइबर है 375,000 बट अभी तक मेरे नॉट इवन अ सिंगल रुपी, एक रुपये भी नहीं लिया यूट्यूब से मैंने, और ना ही आया अभी तक। और जब आएगा तो मैं अपडेट करूंगा, और जब आएंगे तो और भी हम अच्छा करेंगे, और जितना मुझसे हो सके बहुत कुछ करेंगे हम। यही था इसका आंसर। अनदर क्वेश्चन आया, महफूजा बेगम, आई एम सॉरी मैं अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, योर फुल नेम, वेर आर यू फ्रॉम, एज, इंस्पिरेशन, GF। मेरा फुल नेम लक्ष्मण गोस्वामी, मैं ऑलरेडी बता चुका। वेर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम राजस्थान, एंड बॉर्न एंड ग्रोन अप इन तमिलनाडु कृष्णगिरी, बट नाउ करेंटली सेटल्ड इन बैंगलोर। एज मेरी एज 20 है, अभी अगस्त में 21 हो जाएगी, अभी फिलहाल 20 है। एंड इंस्पिरेशन मेरे UK 07 राइडर एंड वेनम 2.0, जो कि UK 07 राइडर है उत्तराखंड से, एंड वेनर 2.0 हिमाचल से मेरे भैया, तो वही मेरी इंस्पिरेशन है बहुत बड़ी। उनके पास भी Duke 390 है वेनम 2.0 के पास, तो उनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती थी और उनसे भी थोड़ा बहुत इंस्पायर होकर मैं स्टार्ट किया। एंड अनदर क्वेश्चन आया, ब्लैक डायमंड की ओर से, हाय देयर, आई सॉ योर वीडियोस टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई लव इट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई वॉन्ट टू आस्क व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मेक अदर्स हैप्पी बाय डूइंग दिस, लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर यू फ्रॉम पाकिस्तान। यार फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वीडियो पाकिस्तान तक पहुँच गई, बहुत बड़ी बात है यार। और मुझे कुछ नहीं मिलता, बस वही मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको हर बार वही बताता हूँ कि जस्ट फॉर अ स्माइल, और कुछ नहीं। और बंदा आराम से यार दिन में इतना तो खर्चा कर ही सकता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है और कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया नोटिस इसके ओर से, भाई आप कोलकाता कब आ रहे हो? टू एंड आई एम योर बिग फैन, प्लीज़ भाई आई एम इन्वाइटिंग यू, थैंक्स अलॉट भाई फ्रॉम कोलकाता, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया। बट हाँ अभी तक तो कोई प्लान नहीं है मेरे कोलकाता का, धीरे धीरे आपका सपोर्ट रहा तो हम ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल ट्रिप करेंगे, बहुत जगह घूमना है अभी हमें और बहुत सारी स्माइलें देखनी है, सो वो बिल्कुल करेंगे। थैंक्स अलॉट टू ईच एंड एवरी वन कि हमारे 100K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड 375K फैमिली ऑन यूट्यूब, सबको थैंक्स, यू थैंक्स अलॉट। कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी इतना कुछ हो जाएगा, मैंने तो एक साल का भी अराउंड सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा था, बट बहुत ही ज़्यादा हो गए। कुछ बस यही क्वेश्चन थे जिनके मैं रिप्लाई कर पाया, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, अराउंड 2000 क्वेश्चन थे। आई एम रियली सॉरी कि मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।